अमरपाटन में प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से स्टोर किया गया बड़ी मात्रा में धान जब्त किया है। 650 बोरी और खुले में पड़े इस धान का वजन 1000 क्विंटल आंका गया है। तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस टीम ने छापे की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। व्यापारी रामेश्वर साहू के गोदाम में धान का यह स्टॉक बताया जा रहा है। तहसीलदार ने जब इसके दस्तावेज दिखाने को कहा तो व्यापारी कोई कागज पेश नहीं कर पाया। प्रशासन ने धान जब्त करने के साथ ही गोदाम को भी सील कर दिया। ये सारे जितने वहाँ आइटम थे मुख्य रूप से धान का, तो चूंकि अभी जो है समर्थन मूल्य पे धान खरीदी हो रही है, तो धान खरीदी हो रही है तो अंदेशा ये भी है कि ये कुछ इस तरह के तत्व हो सकते हैं जो समर्थन मूल्य के केंद्रों पे जाके जो है गलत तरीके से धान को खपा सकते हैं। तो अभी उसको पूरे धान जितने वहाँ से उसको फ्रीज कर दिया गया है, मतलब उसका परिवहन वहाँ से उठाव नहीं कर सकता वो, और जब तक खरीदी चलेगी तब तक ये कहीं पे भी जो है उसका परिवहन नहीं कर सकता।